इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सबक नंबर 3, जमीन पर के जानदार। इस सबक में सबसे पहले हम जमीन की पैदाइश के बारे में समझेंगे। इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है और हमारे ज़हनों में भी मुख्तलिफ सवालात पैदा होते रहते हैं। जैसे कोई चीज़ देखते हैं हम तो जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं कि किस ये चीज़ किस तरह से बनी होगी वगैरह। इसी तरह हमारे ज़हनों में मुख्तलिफ सवालात पैदा होते रहते हैं। मसलन, हम जिस ज़मीन पर रहते हैं, इस ज़मीन का वजूद कब हुआ, कैसे हुआ, क्या आज ज़मीन जिस हालत में है, क्या इब्तिदा में भी ज़मीन इसी हालत में थी या फिर बदल गई। अगर ज़मीन बदल गई तो उसमें कौन कौन सी खास तब्दीलियाँ हुई। इस तरह के सवाल हमारे दौर में आते रहते हैं। साइंसी तहकीकात की रोशनी में ऐसा तस्लीम किया जाता है कि आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले एक बहुत तेज़ रफ्तार बादल खला में पैदा हुआ, और जब बादल खला में पैदा हुआ ये बहुत इंतहाई गर्म हवा और गर्द गुब्बार से मिलकर बना था। ये बादल अपनी इंतहाई तेज़ रफ्तार दायरी गर्दिश की वजह से, यानी बादल बहुत तेज़ रफ्तार दायरी गर्दिश में घूमा और बादल की गर्दिश की वजह से इस बादल के टुकड़े टुकड़े हुए और टुकड़े सूरज और सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले सैयारों में बढ़ गए। जो टुकड़े है वो सूरज और उसके गिर्द गर्दिश करने वाले सैयारे बन गए या पैदा हो गए। जैसे इन सैयारों में अतारुद, जहरा, जमी, मिर्री, मिस्टरी, जोहर वगैरह हैं। अब इसके बाद हमारा अगला मौजू है ज़मीन पर जानदारों की पैदाइश। यानी ज़मीन पर जानदारों की पैदाइश इस तरह हुई। तमाम सैयारों में सिर्फ ज़मीन पर ही मखलूक मौजूद है, यानी ज़मीन पर ही जानदारों का वजूद है। ज़मीन के अलावा न ही अतारुद, जहरा, न मिर्री, न मिस्टरी, न ही जोहर, न यूरेनस, न नेपच्यून, यानी इन सैयारों में ज़मीन के अलावा किसी भी सैयारे पर इंसानी ज़िंदगी के अलावा किसी भी जानदारों का वजूद नहीं है। दरअसल ज़मीन की पैदाइश के बाद जब ज़मीन पैदा हुई तो ज़मीन को सर्द होने यानी ठंडी होने पर और सर्द होने के बाद उसमें आबी ज़खायर पैदा होने के लिए तकरीबन 80 करोड़ साल लगे। कितने साल लगे, यानी ज़मीन पर आबी ज़खायर पैदा होने को तकरीबन 80 करोड़ साल लगे। ऐसा माना जाता है कि जब ज़मीन पर पानी के वजूद हुआ तो पानी में सबसे पहले यक खलवी जानदार पैदा हुए। कौन से जानदार पैदा हुए, यक खलवी यानी एक खलिया रखने वाले जानदार पैदा हुए। इन यक खलवी जानदार को प्रोटोजोआ नाम से पहचानते हैं या प्रोटोजोआ कहते हैं। बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये यक खलवी जानदार कसीर खलवी जानदारों में बदले, यानी यक खलवी जानदार से कसीर खलवी जानदार पैदा हुए। ये यक खलवी जानदार इंतहाई बारीक होते हैं जिन्हें हम सादी आँख से यानी नंगी आँख से देख नहीं सकते। फिर इन खलियात को देखने के लिए खुरदबीन का इस्तेमाल करते हैं। इन खलियात को देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, खुरदबीन की। आप जैसे शक्ल में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ यक खलवी जानदार है और खुरदबीन भी है। इसके बाद हमारा अगला मौजू है ज़मीन पर जानदारों की दुनिया। ज़मीन पर पाए जाने वाले जानदारों में
जानवर और नबाता दोनों का शुमार होता है। लेकिन हम इस सबक में सिर्फ जानवरों की दुनिया पर गौर करेंगे और मुख्तसरन हम जानवरों की खसूसियात इस सबक में समझें। जानवरों की यहाँ पर तीन खसूसियात है, याद रखना है। नंबर एक, जानवरों में अम्ल तनफ्फुस होता है, यानी जो जानदार होते हैं उनमें अम्ल तनफ्फुस होता है। अम्ल तनफ्फुस क्या है? ये अम्ल तनफ्फुस यानी सांस लेने और सांस छोड़ने के अमल को अम्ल तनफ्फुस कहते हैं। जानवर क्या करते हैं? सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। नंबर दो खसूसियत, जानवर गिजा हासिल करने के लिए या दीगर वजुआत से नकल हरकत करते हैं, यानी जानवर को जहाँ पर गिजा मिलती है वहाँ पर वो गिजा हासिल करने के लिए अपने मकाम से दूसरे मकाम पर जाते हैं, यानी क्या करते हैं, नकल हरकत करते हैं। नंबर तीन खसूसियात है कि जानवरों की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले बाज जानवर अंडे देते हैं जिनसे बच्चे पैदा होते हैं, यानी जानवरों में कुछ नस्ल ऐसी है जो अंडे देते हैं और अंडों से बच्चे निकलते हैं या बच्चे पैदा होते हैं। कुछ जानवरों की नस्ल में से बच्चों को जन्म देते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं। जैसे कि आप शक्ल में देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जानवर है और आपको पहचानना है कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे पैदा करते हैं या बच्चों को जन्म देते हैं।